आज हम बहुत ही स्वादिष्ट मेथी का पराठा, जो तुरंत बनने वाला पराठा है, उसको हम भर के बनाएंगे। तो मेथी को हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया है, धो लिया है और इसको हम बारीक बारीक से कट कर देंगे। इस तरह से हमने एकदम बारीकी से काट लिया है। अब हम इसको एकदम कम ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा मोटा मोटा करके हम इसको प्याज को काट लेंगे। इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा काट लेंगे दो प्याज। चार आलू को हम उबाल लिए हैं, इसको हम छील लेंगे। आटा ले लिए हैं और आटा में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको मिक्स कर। इसमें हम घी तेल कुछ भी नहीं डालेंगे, बस ऐसे ही नमक डाल के सिर्फ इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। गरम हो गया कढ़ाई, अब इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, थोड़ा हींग डाल देंगे। इसके बाद हम प्याज डाल देंगे, पहले हम फ्राई करेंगे। ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। इसके बाद हम मिर्ची भी डाल देंगे साथ साथ। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट बना के घर में रखे थे उसी खान डाल रहे हैं। अब थोड़ा देर अदरक लहसुन को भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है उसका स्वाद। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसके बाद हम मेथी के पत्ते को बारीक बारीक काट लिया है, उसको भी हम डाल देंगे। थोड़ा देर मीडियम आंच में इसको फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से भून गया है, मेथी को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब हम इसमें आलू को जो कद्दूकस कर लिए थे उसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, जितना ही डालेंगे जितना हमें चाहिए, क्योंकि आटा में हम ऑलरेडी डाल चुके हैं पहले ही। ये देखिए हमारा, अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे, आलू और मेथी का पत्ता। चलिए अब इसको ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। तैयार हो गया आटा, को एक घंटा पहले ही गूंथ के रख लिया था। परोठा का आटा कभी भी गीला होना चाहिए, तो परोठा बहुत ही सॉफ्ट बनता है। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। हम इस तरह लगाते हैं,
आपको जितना भी पसंद हो आप थोड़ा काट लीजिएगा। इस तरह से ना बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से हम सारा लोया भर के रख लिए हैं, अब एक एक करके इसको हम बनाएंगे। इस तरह से हम एक और डालेंगे, फिर इसी तरह से आप बिना घी डाले तेल डाले ऐसे भी खा सकते हैं। बिना तेल डाले भी बहुत अच्छा बनता है, एकदम सॉफ्ट। देखिए इसमें हम एक बूंद भी तेल नहीं डाले हैं, ये देखिए कितना अच्छा से फूल रहा है। आपकी मर्जी, आप डाल सकते हैं या नहीं डालिए, जो मन हो आपका। इसमें बटर भी डाल सकते हैं। ये मेथी का परोठा बनके तैयार हो गया, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है खाने में, तो उससे और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा आप लोग, और उसके साथ आप दही भी खा सकते हैं, मूंगफली की चटनी भी खा सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।